ताला सबको अपने मेहमान रखे और मैं भी ठीक हूं। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे, खैरियत से। आमिर भाई भांजा मेरा खिला रहा है अलबैक, अल्लाह इसकी रोजी में बरकत पहुंचाए। माशाल्लाह, ये आमिर की मामा भी देख रही होंगी। हसन आ जाए, आमिर हमारे लिए अलबैक लेके आया। ये 1 अलबैक 2 अलबैक 3 अलबैक, इसने 4 बोले थे, मैंने कहा हमने इतना नहीं खाना, ज्यादा एक ही काफी है हम पे, या 2, एक अपने लिए ले आओ। तो ये मेरे भांजे की तरफ से आज अलबैक है ईदी पे। और इसने मुझे 100 रियाल ईदी दी है। बच्चे ने ना मिलने आया रियाज से हमें, तो अल्लाह इसको कामयाबियां दे, अल्लाह इसकी जिंदगी करे। और देखो कितनी दुआएं मिल रही हैं। बड़ा गरम गरम है मछली का अलबैक, खत्म हो गया है ना, नहीं मिला, क्या बोला है पता नहीं इन्होंने मछली का क्यों खत्म कर दिया है। मुझे तो मछली का पसंद आता है, और मुझे छली बहुत पसंद है, कॉर्न, ये मेरे लिए कॉर्न आती है स्पेशल। मुझे भी चटनी मिक्स करके दें, ये चटनी मुझे दे दें आप, नहीं कर ले मिक्स। दुआ में याद रखें, यहाँ पे मिलते हैं अगले स्टेप में। कल बैग खाने के बाद हम समुंदर के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि मेरे भांजे को थोड़ी सी आउटिंग करवानी है, ये क्योंकि मुझे 1.5 साल बाद मिलने आते हैं। और हम समुंदर पे पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और फिर पता नहीं हम पाकिस्तान जाएं, वहाँ पे मुलाकात हो इससे। और माशाल्लाह ये देखें शॉप लगा के बैठी हैं, माशाल्लाह वेरी गुड शॉप। कब फलूस आजा अशर यार हाजा फैन हाजा ना हाजा आई बहाज हाजा हाजा आई लला हाजा हाजा ओके हाजा फैन शुफ माशाल्लाह हेलो गुड हाजा सा दुआ जवाल सट माशाल्लाह, लेकिन हाजर सा माशाल्लाह गुड। ये पंखा बना हुआ है बच्चों का खिलौना, बहुत प्यारा माशाल्लाह, कोई माशाल्लाह गुड 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 वेरी गुड शोफाहिद माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें ये समुंदर पे नए टाल के गुब्बारे आए हैं, ये देखें इनकी डंडी इंतकवानी। ये लड़की और लड़का बेच रहा है, बहन भाई है, ये भाई है लामा भी बजाना है आजाकू। ये इतनी उम्र की इसकी, इससे बड़ी बहन है, तो वो अपना चेहरा छुपा रही थी, तो मैंने कहा तुम्हारा चेहरा 10 रियाल है अशरा रियाल इंतकवानी। हाँ बस शोफ ना तहत तहत वजह माफी शोफ तईब इंतखाफन वजह माफी बदी आजाकू इंता अखू इंता ये हंस रही है, इससे बड़ी है, और ये गुब्बारे बेच रहे हैं अपने माशाल्लाह आज जदीद माशाल्लाह गुद गुद। अगर हमारे साथ मातास होता तो वो पहले ज़रूर मैं उसको खिलौना अशर यार हाजा मन माफ़ी सवा सब बेबी जी इनता ही नजलस। लड़की है जा रही है, मैं बैग से इसकी ले लूँ। ये देखें बहुत ही प्यारे गुब्बारे, ये देखें 10 रियाल का कह रही है, 5 रियाल का भी दे देगी। ये गाड़ियाँ लल्ला माई बलोना हसन इबका बिलोना बिलोना गुब्बारों को कहते हैं अरबी में, हाजा जदीद बिलोना सा ये गुल अशरा रियाल बलून इब्रा। हर बच्चा हर बंदा बिलौना सेल
ईद पे आज हम बाहर निकले हैं, वो भी मेरा भांजा आया और वो ना बहुत आगे चला गया घूमने के लिए। और ये देखे स्कूटर, ये स्कूटर लेके जा रहा है। यहाँ बाहर समंदर पे फिर कालियों ने लगाई होती हैं कुछ शॉप, और यहाँ पे ये कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और इधर मछलियाँ पकड़ी है, कैरम बोर्ड खेला जा रहा है। और वहाँ पुल पे लोग मछलियाँ पकड़ने वाले आते हैं तो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे शलाल की तरफ। वहाँ हमने चटाई बिछाई तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा शलाल की तरफ जाते हैं। तो वो झूले हैं शलाल, तो हम शलाल के करीब आ रहे हैं। ये देख, तो थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब आगे मैं तो आ गई, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ये चटाई डाल ली है, ये हमारी चटाई इधर रोशनी है। और यहाँ पे पानी भी नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा रोशनी है। तो बहुत प्यारी ग्रीन, गहरी ग्रीन वो है खजूर के दरख्त, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। छत देखें, यहाँ पे और यहाँ पे ये शलाल, शलाल के झूले, गाड़ियाँ आ जा रही। और ये झूला बहुत ख़तरनाक है ये वाला, ओए ओए, अभी इसकी भी गाड़ी आ रही है, नीचे से ग्रीन कलर की गाड़ियाँ आ रही हैं। ये खंबे के पास से ग्रीन गाड़ी जा रही है, ये देखिए, ये बाइक ग्रीन गाड़ी, ये जा रही है ग्रीन गाड़ियाँ। ये गाड़ी नहीं, बहुत सी गाड़ियाँ हैं इकट्ठी, और यह एकदम ये ऊपर से बड़ी कार आएंगी। बहुत ही खतरनाक है ये, रोशनी पड़ रही है ऊपर, बोल गई ऊपर जाकर अचानक से, और इधर से ये चल रही है। ओए होए 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 होए, ये देखिए ये रेल चल रही है। ओए होए 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 होए, ओए होए होए, वो ऊपर गई, वो ऊपर। ये देखे ये रेल आई, ओ वाओ, बहुत खतरनाक ये भी है। ओए होए होए, बहुत बहादुर बच्चे हैं जो इसमें बैठे हुए हैं। और इधर ये ऊपर जाती है और नीचे आती है, ये देखे। और वो पीली गाड़ियाँ इधर से घूम रही हैं, पीली, सब्ज, रेड, सुरख, हर किस्म के कलर की। खैर उसको थोड़ा मैं करीब रखती हूँ। अभी ये ग्रीन, ये गाड़ी जा रही है पीली, ऊपर से अभी आ रही है, ये देखिए, ये देखिए, अब ये जा रही है, ये येलो कलर में, और दूसरी फरोजी में जा रही है, वो फरोजी में जा रही है अभी। और बहुत ही खतरनाक अभी ये आई है ग्रीन में, ये ग्रीन में, फरोजी में, रेड फरोजी, यानी ये सुरख फरोजी और सब्ज चल रही हैं गाड़ियाँ तीन। और
माशाल्लाह रोड पे गाड़ियां भी रवान दवा है और ये ऊपर गाड़ी गाड़ी जा रही है। आज मेरा भांजा कल आया था रात में तो उसने भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। सुबह 5 तक जागते रहे हैं, पाकिस्तान बातें की और फिर वो सो गया। फिर 3 बजे उठा है और हमने अलबैग वगैरह मंगाए हैं, वो खाए हैं। मेरे भांजा ले आया था, मैंने कहा बिरयानी बनाते हैं, तो मेरे हस्बैंड भांजे ने कहा कि खाला बिरयानी बाद में बना लेंगे, तो मैं अलबैग मेरी तरफ से अलबैग खा लूँ। तो फिर हम दोनों मियाँ बीवी एक ही अलबैग खाते हैं क्योंकि मुझसे तो ज़्यादा नहीं खाया जाता, एलर्जी होती है और पता नहीं क्या मुझे ज़्यादा। मैंने कहा मछली का हो तो मेरे लिए ले आना, लेकिन मछली का नहीं मिल रहा, बर्तन बंद हो गया। तो फिर वो मुर्गी का ले आया 3 अलबैग, वो हमने खाए। फिर ईशा में हमारा प्रोग्राम समुंदर पे का बन गया। अभी हमने चावल बनाने थे लेकिन फ़िलहाल हम समुंदर पे आ गए और यहाँ पे वापसी पे शायद हम चावल बनाएं। अब सादा पुलाव बनेगा या बिरयानी बनेगी वो बाद में देखेंगे। और 2 बजे तक फिर सो जाएंगे खाना वाना खा के, क्योंकि ये कह रहा कल 10 बजे या सर टाइम ये जाएगा उम्रे पे। और मुझे भी अभी तक थकान उतर गई है, जो पहले मक्का मदीना गए तो मेरा वैसे दिल चाह रहा था मैं इसके साथ दोबारा जाऊं, लेकिन ये कह रहा है मैं उधर से ही ना और रियाज वापस चला जाऊंगा, शायद मैं वापस ना आऊं। और फिर इसलिए मैं साथ नहीं जाऊंगी फ़िलहाल। ये देखें ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये जा रही है। ये रोशनी में इसका कलर देखें, बहुत ही प्यारा फ्रोजी कलर है। थोड़ा इसको मैं दूर करती हूँ, मैंने बस पीछे हुआ था तो बहुत प्यारा फ्रोजी कलर है, बहुत ज़्यादा रेड प्यारा सा कलर की एक गाड़ी है। एक गाड़ी ग्रीन है, एक येलो है, बहुत ही प्यारा कलर है। अभी आ रही रेड, ये आई रेड, रेड 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 रेड, बहुत प्यारा कलर है। रोशनी में आपको नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र आ रहा है। तो वैसे जब भी हम अक्सर आते हैं रात के टाइम में ही आते हैं, तो किसी दिन असर में या फजर के टाइम में आए, वो जीत गई रेल फिर गई इधर से, वो अब फिर रेल आ रही है। ये देखिए ये रेल फिर आ रही है, गाड़ियाँ भी इतनी तेजी से चलना शुरू हो गई है। हैं? क्या रेल? वो रेल फिर आ गई, रेल आ गई, वो रेल। वाओ, ग्रीन कलर की रेल है। इतना शोर कर रहे हैं ना झूला लेते हुए भी ये लोग। ये एंड में यहाँ जाती है फिर रेल और यहाँ से फिर नीचे रिवास आती है वहीं से। तो हम समुंदर पे आए, काफ़ी फ्रेशनेस मिली, बहुत अच्छा माहौल था और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। और अब तकरीबन 11 बजे हम घर के लिए रवाना होंगे क्योंकि रास्ते में से हमें कुछ सामान भी लेना है, मॉल भी जाना है मुर्गी वगैरह और कुछ सामान लेना है, और फिर घर जाके चावल बनाएंगे खाएंगे और फिर 4 बजे सो जाएंगे। और फिर उठ के मेरा है भांजा जो है वो जोहर में जाएगा उम्रे पे। और ये दूसरे दिन मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, टाइम ही नहीं मिला रात को मुझे करने की। तो मेरा भांजा इस वक्त चला गया है जोहर में, उसने उसको नाश्ता वाश्ता करवाया और उसने आराम बांधा और अपने कपड़े वगैरह समेट के सब चीज़ें चला गया। उसने कहा है कि मैं
वहीं से खाला उमरा करूँगा। 3 बजे यहाँ से रवाना हुआ है आज। कल ये वीडियो, कल की वीडियो है समुंदर की, लेकिन मैं कल अपलोड नहीं कर सकी, तो काफ़ी थकावट हुई है, तो इसलिए ये हफ्ता पूरा सफ़र मेरा है, तो इसलिए वापस आते हैं तो बहुत थकावट हो जाती है। तो फिर रात में बिरयानी बनाई है, जो कि अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। और बिरयानी के चावल अच्छे नहीं मिले थे, थोड़ी बिरयानी भी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन फिर भी सही बन गई। और फिर आज वो चला गया, कह रहा था खाला मैं 3 बजे गया, 4 बजे उसकी एंट्री थी हरम में, 4 साढ़े 4 बजे, तो फिर वो उमरा करेगा। उमरा करने के बाद उसने कहा है कि रात को जब भी फारिग होगा आज रात को, तो बस मिली तो रियाज चला जाएगा, वरना मैं फिर रहूँगा होटल में और फिर जुमा पढ़ के जाऊँगा। और ये आ गया है उधर भी है, तो लस्सी जूस, और मैंने भी थोड़ी देर पहले लस्सी पी है, तो यहाँ पे जो आप किसी ने जो कुछ पीना है तो पी लें। तो यहीं पे मैं चाहती हूँ इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। वैसे जाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, और ये आ गया मेरा भांजा भी। इधर तुम आ गए हो, आप हमें कहाँ पीछे छोड़ के गए हो कि ये नहीं, ये लो जूस पी लो, बैठो जूस पियो, बैठ जाओ जूस पी लो। आमिर ये आ गया, यहाँ पे हम वापसी के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि घर जाके बनाने हैं चावल। और यहाँ पे हम इजाज़त चाहेंगे, उम्मीद है हमारा भी लोग आपको पसंद आएगा, और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।